जय हिंद मेरा दोस्तों। दिल्ली के महिला बास विकास विभाग के अंतर्गत दोस्तों वैकेंसी आउट हुई, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में वैकेंसी आउट हुई है। दो टाइप के अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, स्टेट प्रोग्रामर असिस्टेंट की और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है और दोस्तों सबसे बढ़िया बात है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। सारी बात इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली नई दिल्ली के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। पोस्टिंग आपकी दिल्ली के अंतर्गत ही होगी, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। पहली पोस्ट की बात करते हैं स्टेट प्रोग्रामर असिस्टेंट की दोस्तों। इसमें सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। टोटल पोस्ट है इसमें एक दोस्तों, ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन प्रेफरेबली इन सोशल साइंस, सोशल वर्क और रूरल मैनेजमेंट, अगर आपने इनसे ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। अगली पोस्ट की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। टोटल पोस्ट इसकी 4 दोस्तों, इसमें 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम मांगी गई है जो कि स्टेट प्रोग्रामर रजिस्ट्रेशन में मांगी गई थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे कैसे करना है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। देखिए दोस्तों आपके मन में एक डाउट हो गया, क्या ये सरकारी है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो ये बेसिकली दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है जो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पर और प्रोजेक्ट पर दोस्तों। इसमें अगली बात करते हैं एज की, तो आपकी ज्यादा एज होनी है 35 साल। 35 साल के अंतर्गत आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 4/9/2021, यानी कि 4 सितंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। शाम को 5 बजे से पहले पहले पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है दोस्तों, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों इसको अप्लाई कैसे कैसे करना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लिंक डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से सारे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।